ये दोस्तों मैं एक प्रोडक्ट मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। ये फ्लेम गन है जो मोस्टली जैसे कि वेल्डिंग वगैरह में यूज़ होती है या कोई भी चीज़ को जल्दी गर्म करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये मैंने 300 रुपये 350 रुपये के आसपास की मंगवाई थी मैंने अमेज़ोन से। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि ये क्या है, कैसे यूज़ होती है। मेरा इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ दिखाने के लिए मंगवाई है, वीडियो अपलोड करने के लिए। ये फ्लेम गन होती है, ठीक है। ये एक फ्लेम गन एक इस ब्यूटेन की बोतल पे लगती है, जो आपने देखा होगा कि जो गैस वेल्डर होते हैं, जो जैसे कि एसी लगाने के लिए यूज़ करते हैं, वो इसी बोतल का और इनका ही यूज़ करते हैं, जिससे कि वो गैस की पाइप को कुछ वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। ये लगाना कैसे है, इसमें एक ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को आपको यहाँ पर रखना है। रखने के बाद इसको आप प्रेस करना है अंदर की तरफ, ठीक है। करने के बाद इसको घुमाना है, घुमाने के बाद ये इसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे कि वो पकड़ लेते हैं उसको बॉटल को, ठीक है। आप देखोगे अब ये इसमें अटैच हो गया, जॉइंट हो गया, ठीक है। इसका फ्रंट है, इसको अपने फेस से और किसी बॉडी पार्ट से दूर रखना है, किसी भी ऐसी चीज़ से जो कि इसके बिल्कुल नज़दीक हो उसके पास नहीं रखना, क्योंकि इसमें एक लो निकलती है जो बहुत तेज़ स्पीड से होती है। कैसे चलती है ये, इसके पीछे एक बटन दिया हुआ है, इसको आपको थोड़ा सा घुमाना है। जब आप घुमाओगे तो आपको पता लगेगा कि आवाज़ आ रही है इसमें। फिर घुमाने के बाद इसको अंदर की तरफ घुमाना है, इसमें से एक वेल्डिंग की जैसी लो निकल रही है, जिसमें कि आप जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर में होती है, इससे आप कर सकते हैं। इससे यहाँ से आप स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस वजह से मैंने थोड़ा सा घुमा के इसकी स्पीड को कम कर लिया, इसको थोड़ा सा और साइड में आने की स्पीड। तो कोशिश करें कि इसके आसपास कोई भी सामान ना हो, जिससे कि इसमें आग लगने का खतरा हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया इसको, ठीक है। बंद करने के बाद में आप देखोगे दोबारा से बंद नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी गैस को बंद कर दिया। इसको निकालने का भी तरीका सेम ही है जैसे आपने लगाया था, इसको ऐसे दबा के अंदर की तरफ दबाना है और घुमाना है, ये निकल जाएगा, ठीक है। ये दोनों अलग हो गए हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं। ये आगे का पॉइंट अभी मत टच करना है, क्योंकि ये गर्म होता है वो, ठीक है। और इस पोर्टल का यूज़ होने के बाद में इसकी कैप होती है, उसको आपको दबाने के बाद में बंद कर देना है, ताकि उसमें से गैस लीक ना हो, ठीक है। आपको अगर ये यूज़फुल प्रोडक्ट है, अगर आपको कोई इस प्रोडक्ट का कोई यूज़ है तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ ये स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं यहाँ पे एप्लीकेशन की, ये 1300 सेल्सियस तक ये बर्न कर सकता है, टेम्परेचर को पहुँचा सकता है, ठीक है। और ये वेल्डिंग के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कॉपर वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, सिल्वर वेल्डिंग के लिए, टिन वेल्डिंग के लिए और ऑर्नामेंट प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। ये आई थिंक लोहे की वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये माइक्रो वेल्डिंग, छोटी मोटी वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कॉपर वेल्डिंग के लिए यूज हो जाएगा, सिल्वर वेल्डिंग हो जाएगी, टिन की वेल्डिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। और इसमें इसका तरीका दिया हुआ है, अगर आप इसको खोलोगे तो ये कैसे लगाना है। ये गन बैरल है, ये स्विच है इसका, जहाँ पे ये अलग अलग है जिसमें ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। इसको ये भी दिखा हुआ है कि इसको फेस से थोड़ा सा दूर रखना है, हाथों से दूर रखना है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे भी आग लग सकती है, इसको उससे दूर रखना है, इसके यहाँ से इसमें आग निकलती है, ठीक है। अब इसको लगाने का तरीका बताया हुआ है, ठीक है। ये फ्लेम गन है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चारा लगी ठीक है, 300 रुपये में अगर आपको जरूरत है तो ले सकते हैं। इसके जैसे मैंने बताया था कि ये कुछ पॉइंट होते हैं, ये खुल जाते हैं, देखिए ये जैसे मैंने घुमाया तो ये पॉइंट खुल गए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अटक जाता है, जिससे कि ये यहाँ पे इसको पकड़ लेता है, बाहर नहीं निकलने देता है इसको, ठीक है। आपको अगर ये प्रोडक्ट का कोई यूज़ है तो ले सकते हैं, अमेज़ोन से मैंने लिया था, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।